ऐसे पूरा दोनों में फोटो को भी आगे जा थोड़ा ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी इको मॉडल सिंगल बकेट मिल्किंग मशीन है। इस मशीन्स के मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी इंक्वायरियाँ आती हैं जो बोलते हैं डिटेल में मशीन का रिव्यू दो, तो मैं हर वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अपनी जिसमें मैंने पूरी मशीन्स का बहुत डिटेल में रिव्यू दिया है। मशीन को यूज़ कैसे करना है, मशीन को चलाना कैसे है, मशीन को इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब मैंने समझा रखा है। मैं आज दोबारा से एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको डीपली से सारी चीज़ें समझा सकूँ। और आप अगर कोई भी मशीन को परचेज करने जा रहे हो तो आप देख सको कि कौन सी मशीन बढ़िया है, कौन सी बढ़िया नहीं है। मैं वो सारे टेक्निकल फीचर्स आपको बता रहा हूँ जो एक मशीन खरीदते समय हमें ध्यान में देने चाहिए। ये मशीन है हमारा, इसका मॉडल है इको मॉडल सिंगल बकेट मिल्किंग मशीन। ब्रांड है हमारा उमे, UMAY। ये टर्की की कंपनी है और टर्की का ये ब्रांड है। ये हमारी सिंगल बकेट है। इस बकेट की जो कैपेसिटी है वो है 30 लीटर। आप इसमें 30 लीटर मिल्क को स्टोर कर सकते हो, 30 लीटर। उसके बाद आप इधर आ जाइए, ये हमारी जीमैक कंपनी की मोटर है। ये 1 HP की मोटर है और मोनोब्लॉक मोटर है और इसमें ड्राई पंप है। ये इसका साइलेंसर है, ये इस मशीन का पल्सलेटर है, ये वैक्यूम गॉज है, ये वैक्यूम एडजस्टर है, ये हैंगिंग पाइप है और ये इसके 2 व्हील्स हैं और ये गैल्वनाइज्ड पेंट का कोटिंग फ्रेम है। 2 तरीके के फ्रेम हमारे पास आते हैं। एक फ्रेम होता है पेंटेड फ्रेम जिसमें रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ टाइम बाद रस्ट आ जाता है और वो फ्रेम जो है वो फेड हो जाता है। ये फ्रेम फेड भी नहीं होगा और इसमें रस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि ये गैल्वनाइज कोटेड है। ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है। अब इस मशीन को हमें इंस्टॉल कैसे करना है, ये हमारी मिल्किंग लाइन है। ये मिल्किंग लाइन पाइप गॉज मीटर पल्सलेटर हैंगिंग पाइप ये पाइप सेलेंसर सब इस बकेट के अंदर आएगा। आपको बकेट से निकालना है और एक बड़ा पाइप है इसके अंदर जो आपका यहां पे कनेक्टेड होगा और ये पाइप का दूसरा एंड जो है वो बकेट के एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। यहां से कनेक्ट होके ये चला और ये आएगा क्लॉ पे। अब ये हमारा जो क्लॉ है ये हैवी क्लॉ है, 240 सीसी का हमारा क्लॉ है। SS के हमारे शेल हैं और फूड ग्रेड हमारा लाइनर है। फूड ग्रेड लाइनर का जो पहचान होता है वो ये होता है, इसमें कांटे छुरी का निशान होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये निशान होता है। ये हमारा क्लॉ है, इसको हम बोलते हैं शटअप वॉल। इसके साथ हमें कोई भी कुछ नहीं करना, बस इसका हमें यूज करना है। तो इस वॉल को हम बोलते हैं शटअप वॉल, ये हमारा शटअप वॉल है। उसके साथ फिर एक 2 पाइप हमारे पास आएंगे जो कनेक्टेड होंगे, वो हमें क्लॉ के नीचे लगाने हैं। मैं आपको क्लॉ घुमा के दिखाता हूं, ये रहा, ये पाइप यहां से आपका चलेगा और अब ये जाके रुकेगा पल्सलेटर पे। ये देखिए, ये पाइप पूरा यहां से चलता हुआ पल्सलेटर पे कनेक्टेड हो जाएगा और पल्सलेटर आपको सिंपली ऐसे कनेक्ट करना है। ये पल्सलेटर मिलेगा, पल्सलेटर उठाना है और इसके अंदर ऐसे लगा देना है। इस मशीन के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको चलाने के लिए आपको किसी टेक्निकल
इंजीनियर की जरूरत होगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बोलती हैं हम साथ में अपना इंजीनियर भेजेंगे, वो मशीन इंस्टॉल करेगा, उसके अलग से वो चार्ज लेते हैं। मत पड़ो इन चक्रों में, ये सब फ्रॉड है। ये सारी मशीन आप खुद यूज कर सकते हो। मैं आपको यूज करने का तरीका भी बताऊंगा, इंस्टॉल का और यूज करने का जो तरीका है, जो सेफर साइट में यूज करना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब ये हमारे को रबड़ है, ये रबड़ हमें ऐसी बकेट के अंदर मिलेगी, हमें सिंपली प्लेस करनी है और यहाँ पे लगा देनी है। ये भी एक रबड़ है, वैक्यूम गॉज लगा है इस पे, मीटर लगा है, ये भी आपको इसी बकेट में मिलेगा। वैक्यूम मीटर को निकालना है, ऐसे मिलेगा और इस पाइप के ऊपर चढ़ा देना है। ये वैक्यूम गॉज है, ये ऐसे मिलेगा आपको, इसको भी ऐसे ही चढ़ा देना है। ये हमारी 1 HP की मोनोब्लॉक मोटर है, ड्राई पंप है, ये इसका साइलेंसर है। ये पाइप आपको फ्रेम के साथ चिपका मिलेगा, इसको ऐसे लगा देना है। मशीन का इंस्टॉलेशन खत्म हो चुका है, बस इतना सा ही काम था जो आपको करना था। ये मशीन मेरी अब रेडी टू यूज है। मशीन को अब मैं प्लग ऑन, मैंने इधर से प्लग ऑन कर दिया। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन करूंगा, ये मेरी मशीन हो गई स्टार्ट। मशीन को चालू करने से पहले ये मेरी मशीन का शटर वाल्व है। मशीन का प्रेशर बनाने से पहले मुझे शटर वाल्व खींचना होगा। आज में ये वैक्यूम गॉज है, ये आपको इस कंडीशन में मिलेगा। के साथ करना है क्योंकि ये इंस्टेंट रिएक्ट नहीं देगा आपके एक्शन का। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं धीरे धीरे ताकि ये पॉइंट 4 पे निकल आ जाए।
फीडबैक कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना है, प्रेशर बढ़ाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो हमारी घड़ी होती है टाइम वाली, उसमें 12, 1, 2, 3, 4 होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी का उल्टा, 12, 11, 10, 9। तो प्रेशर बढ़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज 12, 1, 2, 3। प्रेशर घटाना है तो क्लॉकवाइज 12, 11, 10, 9, 8। प्रेशर मेरा सेट है। अब मुझे क्या करना है, जब मुझे मिल्किंग करनी है तो इस क्लॉक को उठाना है ऐसे, क्लॉक को ऐसे उल्टा करना है, ये पोर्शन दिखाना। ये मेरा सेटअप कॉल है जिसको मैंने खींचा था, ये वाला आ रहा है। अब मुझे इसको ऐसे दबाना है और दबा के रखना है। अब दबा के रखना है, मैं नीचे आऊँगा और ये जो मेरे क्लस्टर्स हैं इनको ऐसे ऐसे मोड़ना है जैसे मैं मोड़ रहा हूँ, और नीचे से उसको दबा के रखना है। अब क्या करना है, अपने जानवर के पास जाना है और क्लॉक को ऐसे उठाना है, मोड़ा, ये लग गया। अभी मेरे पास कुछ लगाने को है नहीं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ लग गया। इसको घुमाना है, ऐसे करना है, थन के पास ले जाना है, यदि लग गया नीचे से वो दबा हुआ है सेटअप कॉल, इसको भी ऐसे करना है, इसको भी ऐसे लगा देना है, यदि लग गया लास्ट वन, इसको भी ऐसे करना है।